जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीव विज्ञान से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जीव विज्ञान से मोस्ट VVI प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या करता है? प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है, पोषक तत्वों को ले जाता है, शरीर में संक्रमण से बचाता है, खून जमने में मदद करता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण है जिसको बोला जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल, याद रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका। तो रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होता है, इसका काम क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। और हो सके तो आज के सेशन को कम से कम 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो देखिए साथियों, वंशानुक्रम की इकाई जो है जीन को माना जाता है। किसे माना जाता है? जीन को। बी ऑप्शन में है RNA। अच्छा, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना है, ये RNA का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। इसको आपको सर्च बार में सर्च करना है, दिवाकर स्टडी IQ, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, दांतों का इनेमल किससे बना है? तो प्यारे साथियों, दांतों का जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, ये है ऑप्शन ए, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्टोरियस मांसपेशी। ये मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। आगे देखिए, जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में जो श्वसन स्थल है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है मेसोसोम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेसोसोम। मशरूम किसका उदाहरण है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। मशरूम किसका उदाहरण है? तो साथियों, मशरूम जो है, याद रखिएगा, ये कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। कवक की बात करें तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को। और कवक जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। शैवाल की बात करें, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साथियों, नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दा का अध्ययन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है?
चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आपको क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? आंसर हो जाएगा अदरक। ये जड़ नहीं है, ये तना का उदाहरण है। और एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, ये भी जड़ नहीं है, तना का उदाहरण है। बाकी गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी क्या है? जड़ का उदाहरण है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? चलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, बी का थायमिन है और ए का रेटिनॉल है। ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रिपल एंटीजन DPT यानी कि DPT को ही ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। तो DPT का जो टीका होता है ये किन तीन रोगों से हमें बचाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। निमेटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो साथियों निमेटोड द्वारा होता है हाथी पाव बीमारी, हिंदी में नाम है हाथी पाव, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फाइलेरियसिस। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फाइलेरियसिस निमेटोड द्वारा होता है और हिंदी में हाथी पाव। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर है लैंगिक जनन पर। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा DNA। क्या हो जाएगा? DNA यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए, यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में होती है? तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर हो जाएगा एक ग्लाइकोजन के रूप में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? तो प्यारे साथियों जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? तो विटामिन B12 है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। ध्यान रखिएगा साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। एक स्वस्थ वयस्क, यहाँ पे वयस्क होगा, मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो साथियों एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है लगभग 5 से 6 लीटर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब को मापने वाला यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो रक्त के प्रवाह की दर को यहाँ पे देखिए cc में मापा जाता है और वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त का जो प्रवाह होता है ये 1200 cc होता है। इंसुलिन क्या है? देखिए हमने आपको पहले भी बताया था इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन ऑप्शन में हार्मोन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग प्रोटीन भी आंसर लगा सकते हैं। इंसुलिन के अल्पस्रावण से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह।
मधुमेह बीमारी होती है और इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो अभी हमने आपको बताया था इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो उस हार्मोन का नाम क्या है, याद रखिएगा, उस हार्मोन का नाम हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? चलिए आंसर बताइए प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर परऑक्सीसोम में? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, माइटो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 27 के लिए क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी यहाँ पे बी होगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो साथियों कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा ये कोशिका भित्ति क्या है? देखिए जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए पादपों में क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है? लवक होता है। और लवक जो है ये तीन तरह से होते हैं। कौन कौन? पहला लवक का नाम है क्रोमोप्लास्ट जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा लवक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट जो कि बी ऑप्शन में है, और तीसरा लवक का नाम है क्लोरोप्लास्ट जो कि ए ऑप्शन में है। अब सभी का काम बताते हैं, सभी का काम क्या है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है जो कि सी ऑप्शन में है, ये क्या करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट ये जो है ये हरा और सफ़ेद रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग प्रदान करता है पादप को, यानी सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये साथियों हरा रंग के लिए उत्तरदायी है और बाकी सभी कलर के लिए उत्तरदायी है क्रोमोप्लास्ट। हरा और सफ़ेद को छोड़कर बाकी सभी के लिए कौन उत्तरदायी है? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद के लिए और क्लोरोप्लास्ट हरा के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंग्स कहलाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आज का ये क्लास आपको कैसा लगा।